स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी एनी वन कोई यस नो कोई नहीं बोल रहा देख देख के ऑफ हो गया क्या ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी कौन सा हो जाएगा बताओ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बोलते इंक्रीज से डिक्रीज जाना है पहले क्या करना है जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उसको ले रहे हैं देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ फोर्थ लेवल में क्या रहना है वेरी लो प्रोडक्टिविटी ये वाई आर यू चूजिंग ये वाई नॉट बी वाई नॉट सी देन डी सो आप सोच रहे हो वो सेंस में प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगा आप मैडम आपका डी दोनों का डी अच्छा आपका ये ये पुणे भाई है ये बिहार मैडम है और डी डी पूरा डी ऑनलाइन स्टूडेंट विपुल कुमार पूनम यशश्री यश्री सॉरी अमर पूनम आंसर सी ओके एनीथिंग एल्स ये क्वेश्चन सोच के मैं मुझे

सो दैट आई विल गो अदर क्वेश्चन ये मैं जल्दी जल्दी करो ऑलरेडी टाइम हो गया मैं चार बजे को ब्रेक देना ऑलरेडी हाफ एन आवर हो गया अदरवाइज में टॉपिक को थोड़ा फास्ट बता देता हूँ फोटो खींच लियो लिखो तो थो थो आप घर में जाने के बाद थोड़ा थो ईज हो जाएगा सो राइट ईयर सो दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा इसका ऊपर अच्छा से प्रैक्टिस करो बिकॉज क्वेश्चन वेरी टिपिकल आ जाएगा इसमें हमेशा आप जाए एग्जाम में जाने के बाद दिमाग खराब हो जाएगा ओशिया डालो मैंग्रोव डालो प्रोडक्टिविटी कम रहेगा कंपेयर टू मैंग्रोव क्यों बोलो तो मैंग्रोव एरिया में रहेगा मैंग्रोव ऑकुपाइज सटे शॉर्ट प्लेस वेन इट कम्स टू वोशियन ब्रॉडर इट ऑक्युपाइज लार्जर एरिया जो स्पीसीज क्या है कम रहेगा कंपेयर टू फॉर एग्जाम्पल ए क्लास है फॉर एग्जाम्पल मान लो टेन स्टूडेंट्स है दूसरा क्लास में सेम स्पेसिस को ट्वेंटी पीपुल है कौन सा जगह ज्यादा बच्चा है सो सेम बी सो आप बोलेगा सर ये भी एरिया है वो बट द नंबर ऑफ वेजिटेशन फ्लोरा यू हैव टू कंसिडर ऐसा जाना है आपका दिमाग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ग्रास लैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन

नन ऑफ दी प्रियम क्वेश्चन क्वेश्चन सिंपल बट यू शुड यूज युअर रेशनल बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो हम्मली पार्टिसिपेटिंग वेदर यू आर इंटरेस्टेड आर नॉट दट जस्ट टेल मी सी सो वायट बी एर नन ऑफ द चर ग्रासलैंड मेंब एंड सनलाइट विल बी देर द थिंग इज देयर लिमिटेशन ऑफ द हियर वाटर वटर स्कैरसिटी इज प्रिविल एंड वेन वाटर स्कैरसिटी प्रेसेंट टेम्परेचर इज मोर इन द समर सीजन वाट एप देर विल बी

नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन हो गया पहले हो चुका ना ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कौन बोला मां ओके महाराष्ट्र

जरा नंबर एक्सप्लेनेशन है फिर ठीक है ना तो इसमें आंसर आपका बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग फना इंडिया दरियाल लेदर बैग टर्टी स्वैम्प डील विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर कौन सा एनिमल फना बोले तो क्या है एनिमल फ्लोरा बोले तो प्लांट वेरी गुड विच इज एंडर स्पीसीज एंडेंजर घरियाल अच्छा आपको पता है एंडेंजर को क्रिटिकली एंडेंजर को वालेबल तो वाई आर यू चूजिंग एनडेंजर आप के खा लिया इसीलिए स्नब हो गया क्या मैं बी एक्टिव हा सो इसमें एंडेंजर स्पीसीस कौन सा है स्वैंप डील वाई नॉट लेदर बैग थर्टी एंड घरियाल

So, you are giving deforestation. Deforestation, why not terrace cultivation and tropical climate? Area. So, it is a kind of practice to protect the soil. We are conserving rather than the soil erosion. So, it is not. Then, tropical climate, we are in the, the peninsular region in the tropical climate, right?

है ना यू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग आल्सो दैट आल्सो कम पार्ट ऑफ द नो सो योर आंसर टू है ना यू कैन रिमेम्बर ऑफ द सोइल कैसे टेरेस कल्टीवेशन यू नो दिस प्रोटेक्शन कंजर्वेशन पर्पस तो एक निकाल दो इसमें एक निकाल दो तो क्या होगा गया सो ओनली टू लेफ्ट यही है ना इट इज आल्सो एलिमिनेशन प्रोसेस देन लिचेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन ए बेर रॉक आर एक्चुअली ए सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ आल्गे एंड फंगी मिडिल क्या हुआ यस सर नो एटलीस्ट पार्टिसिपेट राइट तो हम ही हमारा फैमिली है हम बात कर सकते गलती रहे तो बोल दो अच्छा रहे तो अब है ना नहीं लेना पड़ेगा तो एग्जाम में अब कभी कुछ ऑप्शन आ गया ऑब्वियसली यू हैव टू रीजनेबली थिंक करना पड़ेगा बिफोर अटेम्पिंग द क्वेश्चन यू आर सिंपली मीन यू आर नॉट यूजिंग यूर ब्रेन दर्ट यूर फॉल्ट ठीक है ना इधर आलगे एंड फंगी इन द सिम्बाइस विद लीचेंस ये भी एक्सप्लेन किया था देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स आर एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ द प्लैनेट अर्थ वॉल्कैनिक एक्शन रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस फोर डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा कार्बन साइकिल को मैं कार्बन साइकिल आपको पढ़ाया था सी वन टू फोर सो वाई नॉट फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इन द फोटोसिंथेसिस व्हाट हैपन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्जर्व बट व्हेन प्लांट डाइट देन कार्बन विल बी लिमिटेड बट इधर क्या पूछा था ओनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही पूछा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज इज ऑब्जर्व कंज्यूम्ड सो ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है ना देन कंसीडर द फॉलोइंग द फिनन ऑफ हाइबरनेशन व्हाट डू यू मीन बाय हाइबरनेशन इन विंटर सीजन जनरली रोडेंट्स इंसेक्ट दे गोइन टू दाइबरनेशन में क्या हो जाएगा विंटर सीजन में आप डीप बरो में जाएगा क्यों टू प्रोटेक्ट यूर बॉडी फ्रॉम देशर सो कोल्ड के बचाने के लिए आप अंदर जाएगा एंड मोर ओवर इन द कोल्ड कोल्ड एरियाज ए शॉर्टेज ऑफ द फूड यू डोट है डीप अंडरग्राउंड ट पर्पज दिट इज कॉल्ड हाइबरनेशन हाइबरनेशन इन दिन सीजन ईस्टेशन ईस्टेशन बोले तो क्या समर सीजन में जाएगा ठीक है ना हाइबरनेशन अलग हाइबरनेशन इन विंटर सीजन ईस्टेशन इन द समर सीजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जस्ट राइट डाउन योर आंसर ईस्टाइवेशन क्या है हाइबरनेशन क्या है

है ना जेनरिक टॉर्क एंड रोडेंट्स ऑल रोडेंट्स आर नॉट गोइंग इन टू द हाइबरनेशन रोडेंट्स आर गोइंग इन टू द हाइबरनेशन प्रोसेस सो यू कैन चूज क्या आंसर हो जाएगा आपको वन टू थ्री हाइबरनेशन नेक्स्ट टाइम ईस्टाइवेशन आ जाएगा है ना नेक्स्ट अदर देन पोचिंग व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गैंग गंगा रिवर डॉल्फिन क्या रीजन है बताया था रीमा यादव यशस्वी यूर ऑल्सो आंसर करेक्ट पूनम सहरन किसका आंसर बताया था बी आपका बी रॉन्ग आंसर नौ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सी यूर आंसर सी वाई मैडम वाई आर यू चूजिंग अच्छा, वाई नॉट बी टू ऑल्सो इंक्लूडेड आप क्यों टू इंक्लूड नहीं किया बताओ गंगा में क्रोकोडाइल्स नहीं है नहीं घरियाल तो है ना भाई कल ही तो डिस्कस किया वी री इंट्रोड्यूस राइट री इंट्रोड्यूसडीट वेरी गुड माँ क्यों क्रोकोडाइल्स गंगा यमुना में ब्रह्मपुत्र में, में कौन सा क्रोकोडाइल रहेगा मगर तो है ना तो वाई आर यू एलिमिनेटिंग आई एम नॉट गिविंग आंसर आई एम आस्किंग योर ओपिनियन मैडम बताओ ओके सो दे आर म्यूचुअल को एक्सिस्टेंस बोल रहे हो सी हियर वॉट हैपन डॉल्फिन वेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग द द डैम्स एंड स्पीड ऑफ द वाटर विल बी कम डाउन द न्यूट्रीबिल अवेलेबिलिटी विल बी कम डाउन एंड इट इज हिंडरिंग द मूवमेंट ऑफ द हिंडरिंग द मूवमेंट ऑफ द डॉल्फिन्स फिश से चल जाएगा बट आपको डालफिन क्या है साइज बड़ा है दे कैनॉट गो राइट इफ दे गो ऑल्सो दे विल बी स्टॉप बाई दबर देर जो है ना फ्लड गेट ऐसा उतार, उतार ना, वो स्टॉप कर दे गया सो दे आर हिंडरिंग प्रोसेस ऑफ दिन मूवमेंट है ना एंड इंक्रीज इन दॉपुलशन ऑफ क्रोकोटाइल इन रिवर्स देखो क्रोकोटाइल स्पीड देखो डालफिन का स्पीड देखो एंड दे आर लिविंग इन द सेम एकस्टम कैन वी कॉल दिस्टम वॉट इज एक दोनों स्पीसीज रहेगा ना बोटिक दोनों रहेगा सो देर इज नो हार्मफुल बिटवीन द क्रोकोटाइल एंड डालफिन सो ऑप्शन नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल you know आप फिश कैश we'll करने को जा रहे हो क्या हो जाएगा समटाइम्स डाल्फिन वो नेट में आ जाएगा क्या हो जाएगा मर जाएगा है ना वी आर किलिंग द डालफिन फॉर ऑयल पर्पज ऑल्सो मीट पर्पज ऑल्सो द The international level, IUCN and UNDP, UNEP also encouraged that they are advising the uh, turtle, advice, uh, turtle exclusion device. Abhi for example, in the net, hai na, somewhere we have to make small hole. So, what happened? If kind of turtles and trapped in the net, they will be moved away from the that hole. That's why we have turtle exclusion device. naya tha. Turtle exclusion device.

राइट right. आप पूरा पढ़ने के बाद आप अटेम्प्ट करना है सो व्हाट इज योर आंसर एंड नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया वेरी गुड जी का क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आया था गैंजेटिक डॉल्फिन ऑलिव इडली टर्टल का आयुष्यन क्या है आयुसियन वल्नरेबल लिख लो भाई घरियाल का क्रिटिकली इंडेंजर एक बार लिखो ना क्या हो जाएगा एंड वर्नरेबल ये आलिव रिटली टाइटल लार्ज लार्ज एरिया में कौन सी जगह में है इंडिया में वरीसा कौन सा बीच छिल का पास है गहिर माता पास है गहिर माता ठीक है ना कल ही तो बोला मैडम मे, माता माता ठीक है ना नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू द डुगांग वर्नरेबल शेड्यूल वन लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन विध रेफरेंस टू डुगांग डुंग क्या है सी गो वेरी गुड डुगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इट इज एर मेरे मेरे वर्स मेरे एनिमल इट इज फाउंड अलांग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल वन ऑफ दाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू बताओ सी सी आंसर वन एंड थ्री वाई नॉट इट इज फाउंड अलांग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया

उंड बी बीट बी हाउ वेरी गुड इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पढ़ा नहीं है इवन यू डोट नो सो एटलीस्ट इट इजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन नहीं है इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना सो इट्स इट इज प्रेजेंट इन द स्विटरलैंड वट इज द नीड टू मैंशन द आर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एटलीस्ट आप वन एलिमिनेट कर दिया तो भी टू थ्री यूअर आंसर है ना

सी यादव भाई देन पुने भाई डी ओके कौन बी महाराष्ट्र भाई बीच में मैडम थिंक सी सी हियर क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दियर नेशनल पार्क इज यूनिक स्वैम्प है विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन फ्लोटिंग वेजिटेशन किसका जगह है कीबुल लामजाओ सो so, तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन सा स्टेट में है मणिपुर मणिपुर में है इधर क्या है ब्राउन एंडलर डी विच कम्स अंडर द शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 आंसर इज बी इट्स अ फ्लोटिंग दैट्स व्हाई व्हाट वी आर कॉलिंग फुमडी बोला था ना सो तो इसीलिए यूर आंसर इज कीबुल महाराष्ट्र भाई सही बताया रिमेनिंग ऑल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म एको सिस्टम एकोसिस्टम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है बताओ इकोसिस्टम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद एन अदर आर दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज बाय लिविंग कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर द एनवायरनमेंट इन द इन विच दे लिव सी इज योर आंसर यस सी इज करेक्ट नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज ए क्लाइमेट That varies from फ्रॉम द्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेपरेट एंड कौन सा नेशनल लेवल टू हाइयर लेवल जो लाटिट्यूड है ना एवरी कैरेक्टर प्रेजेंट इन फॉलोइंग नेशनल पार्क सा नेशनल पार्क हियर कांचन गंगा नंदा देवी नियोरा नामदाफा कांचन जंग, कांचन जंगा वेरी गुड कांचन जंगा जंग इज सिक्किम नंदा देवी नंदा देवी वेरी गुड उत्तराखंड लिखो ना ये पता है ना आपको नियोरा वेर इज नियोरा वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में नियोरा है नामदाफा अरुणाचल प्रदेश सी इन कांचन जंगा मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी ऑब्जर्व

वैली न्यूरा वैली वेर इज न्यूरा वैली न्यूरा वैली इन वेस्ट बंगाल सो वेस्ट बंगाल में क्या है अरुणाचल प्रदेश देर यू कैन सी ऑल दीज फोर कैरेक्टर नामदाफा फ्लाइंग स्कोर इट इज ए क्रिटिकली एंड स्पीसीज क्रिटिकली एनडेंजर स्पीसीज जब मैं बोल रहा हूँ वो लिखना जरूरी है अदरवाइज आपका ठीक है ना पास्ट पास्ट। आंसर इज नामदाफा नामदाफा नेशनल पार्क नामदाफा नेशनल पार्क में क्रिटिकली इंडेंजर एक स्पीसी है यस यू आर राइट अमर अरुणाचल प्रदेश यस रीमा यादव आपका आंसर भी सही है डी वेरी गुड मा राम आशीष यादव सी कौन सा किसको दिया है? सी नहीं वो डी ठीक है ना रीमा यादव सही दिया था अमर भाई दिया था नेक्स्ट वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया फंगी प्लांट्स किसको इन्फेक्ट करेगा वायरस बैक्टीरिया को करेगा नहीं सो वन निकाल दो बस देन विथ रेफरेंस टू रेड सैंडल समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है ना इट इज ए ट्री स्पीसी फाउंड इन ए पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया योर आंसर सी सी इट इज ऑनलाइन स्टूडेंट वॉट इज योर आंसर यश्री बी टू ओनली रेड स्टैंडर्ड प्रेजेंट इन द साउथ इंडिया समटाइम्स क्या आ जाएगा पेनसुलर इंडिया सही है ठीक है ना बट इंडिया में प्रेजेंट बट रेड सैंडर इज नॉट ग्रोइंग इन द रेन फॉरेस्ट रीजन, इट इज ग्रोइंग इन दोइर क्या बोला था वो ट्रॉपिकल रेन साउथ इंडिया सही है बट दॉट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है झुकेगा नहीं मोबाइल आया था ना अभी झुकेगा हा भी झुकना हाँ मन पुष्पा अभी टू भी आ रहा है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है वो ठीक है ना आंसर इज ये नेक्स्ट व्हाट इज आर यूनिक अबाउट कराई कैमल इज ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया इट सर्वाइव आंसर क्या है आपको बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स अमर मोज सी कराई कैमल बताओ वन नाइन टू आपका आंसर ये बीच में मैडम आपका ये आप पूरा है क्या आप बी सी कराई कैमल प्रेजेंट इन द गुजरात सो वाटर इन द गुजरात रथ यार कोई ट्राइब है वो क्या करेगा उनको डोमेस्टिकेशन करेगा दे स्विम द स्विम द आई मीन द कैमल स्विम कराई कैमल दे गो इनटू द वाटर, दे कंज्यूम द

आ दिन बाद पूरा नया लगेगा अब वो ये भी बट हियर डोमेस्टिकेशन वी आर डोमेस्टिकेटिंग मैं ये बात बोल रहा हूं ये भी रांगी है वी कैन डोमेस्टिकेट आल्सो इट इज प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस हो जाएगा क्यों बोलो तो एग्जाम में काइंड ऑफ प्रैक्टिस अदरवाइज सडनली प्रैक्टिस किया आपको कुछ नहीं पता हो जाएगा ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दिया नेक्स्ट वी आर इन क्लाइमेट चेंज पार्ट वश्री मुक्तेश्वर नरवाड़े ये वन एंड टू यस यू आर राइट अरे नरवाड़े कौन था ना नरवाड़े नरवाडे नरवाडे मैडम रिप्लाई दिया यस करेक्ट श्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली देर वॉज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ़ द लयस फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इज कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड ये क्या है टाइगर रिजर्व है ना जिम कॉर्बेट पॉपलर पालपर लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश यस वेरी गुड मधुमलाई मलाई मलाई बोलो तो क्या बोलना मलाई खाना है मलाई खाना है तो किधर जाना है तमिलनाडु ठीक है देन सही है राजस्थान सो so, कौन सा आंसर हो जाएगा इधर बी आर डी सर मैडम बी आर डी यस नेक्स्ट क्या हो गया द टर्म एम स्ट्रिप्स इ समाइम्स सीन इन न्यूज इन द कंटेक्स ऑफ देख के बताना अच्छा से बी वाई नॉट कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फना मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व 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 इधर रिजर्व आर नहीं रिजर्व इधर गलती दे दिया आप सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑफ नेशनल देखो पॉइंट्स देखना ऑप्शंस इज करंट अफेयर्स तरह आई मीन साइंस एंड टेक तरह आंसर इज बी नेक्स्ट इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल बेस्ट हैबिटेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट घरियाल देखना कितना इंपॉर्टेंट है कौन सा प्लेस टू विजिट करने के लिए घड़ियाल कल का नोट्स देखोगे एक बार घड़ियाल

किधर है आप क्यों बोल रहे हो चंबल राजस्थान पुलिकाट लेक, तमिलनाडु। देखो पुलिकाट लेक इज इट द लेक बाय 60 सिक्सटी 70 परसेंट आंध्र प्रदेश रिमेनिंग 30 40 परसेंट तमिलनाडु लिख लो प्रिश में आया था एपी प्लस तमिलनाडु दीपोर बिल असम, इट इज ए रामसर वेटलैंड रामसर वेटलैंड ठीक है ना रामसर वेटलैंड ये पॉइंट्स, देखो कैसा ऑप्शन आ रहा है बेहतर कनिका इन ओडिशा चंबर रिवर कौन से जगह में है राजस्थान पुलिकाट लेक तो एग्जाम में ऑप्शन क्या आया था उधर जोग्राफी में इन तमिलनाडु रॉन्ग क्या है इट इज द तमिलनाडु एज वेल एज आंध्र प्रदेश ये भी में आया था दीपोर बिल क्या है इट इज ए रामसर वेटलैंड असम यशी मक्तेश्वर नरवाडे बी आंसर दिया चंबल रिवर यस

इन आंध्र प्रदेश भी याद रख लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दकुआई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फकुआई को क्या बोलेगा अदर नेम वेरी गुड पक्के इधर लिख लो पक्के पक्के देखने को जाना किधर कौन सा सेंचुरी को जाना पड़ेगा इधर कौन सा स्टेट को अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय नागालैंड अरुणाचल प्रदेश कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ द मणिपुर कुछ टाइगर रिजर्व है मेघालय में नागालैंड नो नागालैंड में कुछ नहीं सो व्हाट इज योर आंसर हियर अरुणाचल प्रदेश देन वही वही इज य प्लांट कार्ड प्रोसोपिस जुलीफेरा फेरा ऑफ मेन्शन इन द न्यूज ये भी है था तो आपको से एक से देखो, देखो एक बार में है इनिव स्पीसी में देखो एक बार नोट्स नोट्स निकाल के देखो नहीं। एग्जाम में आ रहा है करंट पॉइंट्स बताया था सो आंसर इज इोसोपुर जिल्लीफेरा क्या है गांव में रहते हैं ना नंबर ऑफ स्पीसी आंसर इज

एग्जाम नेक्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट रिपीट करेगा यूपीएससी जो दिया ना स्टेटमेंट फिर वही रिपीट करेगा मर्जिंग विपुल कुमार यस योर आंसर करेक्ट बी ओनली ठीक है ना नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल के ऊपर देखा ना आर्टिफिशियल बोल रहा है कोड़ाई कैनाल नैनीताल रेणुका डाई केनाल इन तमिलनाडु कोल्लेरु क्या है नेचुरल नाइनी आल्सो नेचुरल रेणुका इज द रामसर वेटलैंड विच इज विच इज वेरी गुड स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड सो आर्टिफिशियल लेक इज द कोडाई केनाल एग्जाम कैसा क्वेश्चन पूछ रहे देखो आप घर में जाके देखो ना जब प्रैक्टिस करें वेरी लीजर करेगा खत्म क्लास यू आपको सीरियस लगेगा ठीक है ना जस्ट ये ऑप्शन लिख लो फटाफट नेक्स्ट विच ऑफ दर रिजर्व अगस्त्य मेला बायोस्फीयर रिजर्व किधर है केरला केरला में है है ना आप जागरूक हुआ आपको नहीं हुआ जागरूक में देखना पड़ेगा क्लियर जब ज्योग्राफी होगा ए नेशनल पार्क है ना ठीक है बेस्परी रिजर्व आंसर इज हियर देखो हाउ टू एलिमिनेट दिस क्वेश्चन मैं क्या बोला था अगस्त्य मतलब बेस्परी रिजर्व किधर है वेयर इज केरला देखो नागार्जुन सागर किधर है नागार्जुन सागर वेरी गुड द लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज नागार्जुन सागर तो ये नहीं हो जा जाएगा ना या आंध्र प्रदेश में ये तो केरला बोल है वी कैन एलिमिनेट राइट पापी कोंडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी वेयर इज पापी कोंडा 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 पापी कोंडा पाप कर दिया है ना अब बात नहीं कर रहे हो कुछ सीन नहीं होगा ना मैडम पापी कोंडा वेयर इज आंध्र प्रदेश सो so, ये भी नहीं होगा है ना एटलीस्ट यू नो समथिंग ये पता नहीं है एटलीस्ट आपको ये पता है ना ये नहीं होगा देन मुदुमलाई सत्यमंगलम वेनाद एंड ये सत्यमंगल कन्वर्ज का पॉइंट है ये भी नहीं होगा सो so, ऊपर वाला ठीक है ना यू कैन आल्सो एलिमिनेट एटलीस्ट आप कुछ तो कुछ पता होना चाहिए देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कल लायन बारे में बताया था एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली यस आर नो यस आपको पहले वन किधर है देख लो इधर है इधर है इधर है ठीक है ना देन वन हर्न वाले बारे में पढ़ाया था राइनोसिरास इज नेचुरली फोन इन इंडिया ओनली इंडोनेशिया जगह में भी है ना सुमद्रा रोसिरोस है ना अब अब क्या करना है थ्री निकाल दो टू यू डोंट नो बट ये ऑप्शन दो दो वन एंड टू नहीं बोला ना वन ही है तो आप यू कैन चूज राइट आंसर इज ए देच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइव कंप्लीटली इन द टेम्परेट आल्पाइन जोन मानस वेर इज मानस नेशनल पार्क वेरी गुड नाम नामदफा उड़ीसा मैडम आप थोड़ा इधर आ जाओ साइड नहीं जा रहा इधर तक मानस नेशनल पार्क इज मानस नेशनल पार्क असम दफा अरुणाचल प्रदेश वेर इज टाइगर रिजर्व फे अभी बोला था ना फकुआई है ना नामदाफा नियोरा वैली नेशनल पार्क की बोला था वेरी गुड मार सुपर वेस्ट बंगाल ठीक है ना देन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वेरी गुड मार उत्तराखंड ठीक है ना सो so, आपको ऑलमोस्ट नेशनल पार्क पूरा लिख लो यू आर नॉट गिविंग आंसर यू आर डोंट नो सो एटलीस्ट राइट राइट राधर स्पेक्टेटर कुछ कांतारा मूवी को देख रहे हैं तो बाहुबल इतनी निकालना पड़ेगा सो दट यूल वेन एवर यू द पेपर मैं इतना प्रिपेयर करके आ जा रहा हूँ एग्जाम चलो नेक्स्ट हम सर यही है ना वैली ऑफ फ्लावर्स मानस किधर है वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में गया तो अभी क्या हो जाएगा बारिश कैसे है आई I मीन mean, बारिश बोल तो स्नो ही है ना स्नो को क्या बोलेगा हिंदी में बर्फ बर्फ है ना बर्फ है ना विंटर सीजन में बारिश नहीं बारिश बोल तो रेनफॉल है ना सो so, बर्फ है ना सो बर्फ इज मोर इन द विंटर सीजन सो हियर व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेट अल्पाइन जोन मानस में उत्तर नहीं है पानी है ना अभी फ्लड्स आ है असम में सो इट इज नॉट करेक्ट आंसर आंसर इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेक्स्ट अ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर है नागार्जुन सागर वेर इज कार्बेट रणथंबोर बोल वॉइस ज्यादा हो गया अभी पूरा पता है नागार्जुन सागर सीशेल आंध्र प्रदेश सुंदरबन वेरी गुड सो यू नी ना टू राइट दिस शब्द देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डीर इन नेचुरल प्लेसेज मस्क डीर अस्कोट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गंगोत्री नेशनल पार्क किशनपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मानस नेशनल पार्क बी गंगोत्री बोल रहे हो आप कुछ गेस तो मारो कुछ अच्छा से देख के मारो ना गेस सी आपका किशनपुर किशनपुर यूपी क्या भाई उत्तर प्रदेश से आए हो लालू लालू प्रसाद बिहार है ना किशनपुर इन यूपी उधर मस्कट है मानस असम गंगोत्री उत्तराखंड अस्कोट उत्तराखंड सो यू कैन नॉट फाइंड मस्क डीर इन द गंगोत्री इसको अस्कोट है ना ये अस्कोट वाइल्ड लाइफ सैक्चुरी को मस्क अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलता है इसको इनका नाम सामने है ना मस्क सो इस मस्क डीर है इसीलिए मस्क डीर मोर अबंडेंटली प्रेजेंट इन द अस्कोट वाइल्ड लाइफ सैक्चुरी इसलिए वी आर कॉलिंग मस्क अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंगोत्री में प्रेजेंट बट वेरी इनसिग्निफिकेंट देन किशनपुर में नहीं है देन मानस नेशनल पार्क बंगाल में नहीं उधर राइनोशिला से ठीक है ना पूनम सहरन देन विथ रेफरेंस टू इंडिया बायोडाइवर्सिटी सीलॉन फ्रागमाउथ हाउ क्वेश्चन आर आस्किंग फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी पास देखो सीलॉन फ्रागमाउथ कॉपर स्मिथ बारबेट ग्रे चिन्हीवेट व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार क्या है इसमें बर्ड्स प्राइमेट्स रेप्टाइल्स आंफीबियंस वॉट इज योअर आंसर ये बिलोंग्स टू व्हाइट थ्रोटेड बोले तो बर्ड इट कम्स अंडर दर्ड्स ये करंट अफेयर क्वेश्चन है देन

దేశ రిజర్వ అండ్ వేనాడ సో ఏ ఆన్సర్ పాపికొండాధరం సత్యమంగ తమినాడు వేస్టర్ మిేగిరి सत्यमंगलम मोस्ट ऑफ द टाइम सत्यमंगलम पेपर में आया था एग्जाम में वेनाड वाइल्ड सेंचुरी इन केरला पापीकोंडा नागरहोल किधर है कर्नाटका ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन विथ इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल यस आर नो आपका घर में होम मिनिस्टर कौन है माता जी है पिताजी माता जी करेगा है द मैक्सिमम पीरियड कैन बी ट्वेंटी टू मंथ यस एन एलिफेंट कैन नॉर्मल बारे में आपको पता है इंडिया आप स्टॉप कर दो राइनोसिराज बारे में आपको पता नहीं है क्या करना थोड़ा रुकना पड़ेगा अदरवाइज एलिमिनेट करने के देखो अदरवाइज जस्ट लिव इट है ना तो ओनली एलिमिनेट करो थ्री कौन सा हो सकता वन यू नो हंड्रेड परसेंट तो थ्री इज रॉन्ग है ना यू नो वन तो आप टू भी चूज कर सकते हो ना यस वन नाइन टू इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन य सरफेस विदाउट सॉइल सॉइल दे आर नॉट लिविंग ऑन द सॉइल ंग विच वन ये क्वेश्चन आप अटेप्ट करना है लिख लो इसके इसके ऊपर हमेशा सिम्बै के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ जाएगा लिख लो मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है आंसर आपके देखता हूं क्या आंसर है आपका एंड यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑल्सो चलो नेक्स्ट स्लाइट जाओ ठीक है ना नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कल बताया था ना नो नीड हो हो गया शायद हो गया क्या हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर इज ए फिल्टर फीडर आपको बलाया बताया था वर्टिब्रेट्स इन वर्टी वेरी गुड मान सुपर ऑयस्टर इज योर आंसर करेक्ट यादव जी सही बोला यार नेक्स्ट फॉलोइंग एनिमल्स पैंगोलियन टू रिड्यूस बाय कैप्चर्डर्स जब प्रेडेटर्स आया गया ना बॉडी को पूरा मोल्ड कर लेगा तो वो स्पीसीज हैिजम्स रोल्स अपर रोलअप एंड प्रोटेक्ट आर प्रोटेक्ट इट्स देर वर्नरेबल पार्ट कौन सा है इसमें देखा ना स्पीसीस में कैसा क्वेश्चन आ रहा है मैं इसीलिए बोलता हूँ ओवर टेन क्वेश्चंस आ जाएगा पैंगोलियन देखा ना पैंगोलियन इंडिया में क्या है इंडेंजर वो क्रिटिकली में है तो पैंगोलियन जब कुछ स्पीशीज अटैक करने लगे तो मोल्ड हो जाएगा तो आपको थ्री पता है थ्री किसी जगह है इधर है इधर है मार मार तो नहीं है ठीक है ना टू ना एलिमिनेट करो तो कौन सा है आपको डी इज योर आंसर हेडजाग एंड बेंगलियन योर आंसर एग्जाम में ऐसा आ जाएगा स्पीशीज के ऊपर नेक्स्ट सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ये साल का क्वेश्चन है कौन सा स्पीशीज सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन एज कल्टीवेटर्स ऑफ बताओ यशश्री नरवाड़े सी आंसर दे किसको मैडम अमर थ्री सेवन अभी दिया ना यस अमर एंड काक्रोच क्रैब स्पाइडर यू आर सेइंग एंड महाराष्ट्र भाई बोल रहा है एंड रहे मैडम जब एंड देखो वेर दे आर प्रेजेंट क्या करता है डिग करता रहता है सो इट्स काइंड ऑफ कल्टीवेशन देन क्रैब करेगा क्या करेगा अंदर जाके हाइबरनेशन करेगा है ना कागरूस करेगा क्या करेगा बाथरूम में देखा ना कागरूस किधर रहेगा गंदा जो जगह है उधर ही कागरूस इज इट कल्टीवेटिंग नो इट्स अ काइंड ऑफ कंज्यूमिंग है ना देन स्पाइडर स्पाइडर इज कल्टीवेशन नो हियर एंड ये नेचुरल क्वेश्चन है अब दिमाग यूज करना पड़ेगा ज्यादा हो गया ना क्वेश्चन क्लास में जाओ प्रीवियस है, किसी में बताया नहीं मैं बता बोल रहा जब आप लिख लो चार-पांच साल लग जाएगा आपको, इज नॉट ए बर्ड कौन सा स्पीसीज नॉट बर्ड है गोल्डन मसीर इंडियन नाइटजार जार स्पून बिल वाइट इबिस

गोल्डन मसीर इज वेर एवर इज प्रेजेंट इट विल नॉट बी सरवाइविंग इन द वाटर इट इज अ इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन पोल्यूशन है उधर नहीं रहेगा ये गोल्डन महसीर कावेरी रिवर में रिसेंटली अब ऑफ द फिशेस इट इज अ फिश प्रेजेंट इन द कावेरी नंबर इंक्रीज हो रहा है सो इट मीन्स पॉल्यूशन कम हो रहा है सो आंसर इज गोल्डन मस्जिद है ना नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वेटलैंड और लेक लोकेशन होकेरा वेटलैंड पंजाब रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश रुद्रसागर लेक त्रिपुरा षष्ठम कोटा, तमिलनाडु अच्छा कल बताया ने सो so, हो गया वेयर इज होकेरा वेटलैंड मारो हां सॉरी सॉरी सही बात भाई होकेरा हरिगढ़ ये हमेशा मुझे मुझे भी कंफ्यूज हो जाता वो क्या रहा है होकेरा है टेररिस्ट क्या हो रहा है उधर ऐसे याद रख लेते हैं ना देन रेणुका सही सस्टम कोटा कोटा सस्टम कोटा के, केरला ठीक है ना रुद्रसागर त्रिपुरा कल त्रिपुरा में वन मोर आया था एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है वो गुमती बताया ना थ्री पेयर्स ओनली ये भी बताया क्या ये भी बता बताओ कैंसिल द फॉलोइंग पे बायोस्फीयर रिजर्व गारोह लोकताक रेंज नामदाफा नेशनल पार्क डाफला क्या है अरुणाचल प्रदेश इधर ऐसा है ना इधर क्या है डाफला देन मिरी देन अभोर देन मिशमी प्रिलिम्स में आ जाएगा ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ वेस्ट टू ईस्ट डाफला मिरी मिशमी अबोर नामदागफा किधर है इधर है अबोर के पास सो तो ईस्ट साइड में है डाफला हिल्स में नामदाफा है क्या नहीं सो इट इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश सो इट इज प्रेजेंट इन द अबोर डाफला मिरी एंड ये जगह ऐसा है ठीक so so yeah, है ना सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन द डाफला सो यह आंसर गलती है तो थ्री निकाल दो उधर वन नाइन नन बचा हुआ है ना देन बेस नाकर रिजर्व किधर है नाक्रेक वेर इज नाकर चलो वेर इज न्यूरा वेस्ट बंगाल वेर इज नॉकर मेघालय मेघालय ठीक है ना इफ यू टेक द मेघालय हियर गारो हिल्स गारो बिटवीन काशी देन जयंतिया गारो काशी जयंतिया ये गारो हिल्स में क्या है नॉक्रेट बायोस्फीयर रिजर्व है सो so, बायोस्फीयर रिजर्व इधर कवर हो जा रहा आपको ठीक है ना गारो काशी जयंतिया गारो काशी जयंतिया एंड गारो गारो एरिया में क्या है तुरा रेंज ये भी प्रीतिम्स तुरा टी यू आर ए तुरा तुरा आल्सो प्रेजेंट इन द गारो हिल्स सो तो, नगरेट गारो हिल्स में सही है ना सो आवर आंसर इज वन नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग ये भी हो गया ना

दम हो गया ठीक है क्लाइमेट चेंज ठीक है ना क्लाइमेट चेंज बारे में हेडिंग लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें फोर टॉपिक्स हैं हमेशा तीन क्वेश्चन फ्रॉम फोर टॉपिक्स छोटा छोटा ही है बट क्वेश्चन इज टिपिकल दो दो पेज ही है टॉपिक बट क्वेश्चन हमेशा टिपिकल रहेगा सो ए क्लाइमेट चेंज में हम ये पड़ेगा एक बार हेडिंग लग लो ठीक है ना ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस क्लाइमेट फोर्सिंग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रिसीडिंग ग्लेशियर्स ठीक है ना दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वन मेघालय अमर यू आर रेस करेक्ट ही बोला था ये अमर हमेशा करेक्ट आंसर देते हैं चलो चलो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा लिख लो क्या चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने के बाद थोड़ा काइंड ऑफ पिक्चराइजेशन ग्लोबल वार्मिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर क्लाइमेट को चलो वेदर को क्लाइमेट को डिफरेंस क्या है आज वेदर कैसा है ठंडा है गर्म है सो इट इज बेस्ड ऑन द आवर मिनट और डे है ना वही वेदर बोलेगा ना आज ठंडा बोल दे रो. बट एन एन एवरेज ये साल पूरा और जिस साल पूरा क्या है क्या है क्लाइमेट और टेम्परेचर ज्यादा ही है. ये क्या हो जाएगा क्लाइमेट हो जाएगा सो क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स बट वेदर क्या हो जाएगा डे टू डे चेंज फॉर एग्जाम्पल कल ठंडा था आज गर्म था कल भी आफ्टर वन आवर और आफ्टर फ्यू मिनट क्या लगेगा अरे जस्ट बिफोर क्या था टेम्परेचर अच्छा था गर्म था अभी क्या ठंडा हो गया ये क्या हुआ वेदर

अरे बहुत वार्म है यह वार्म क्या है इट इज कन्फाइंड टू ओनली सिंगल एरिया नो इट इज परटेनिंग टू द एंटायर ग्लोब दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग ग्लोबल वार्मिंग ना सो ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज इन द टेंपरेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर जब एग्जाम में आ जाएगा डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेशन लिखना पड़ेगा अदरवाइज टू मार्क्स गया

ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा वन फ्लड्स बढ़ जाएगा फ्लड्स बारिश ज्यादा हो जाएगा ना व्हेन ऑपरेशन इंक्रीजेस फ्रॉम द वाटर बॉडी व्हाट हैपेंड ऑब्वियसली दैट विल बी ऊपर जाएगा दैट विल बी कंडेंस सैचुरेटर क्या हो जाएगा फाइनली रेनफॉल आ जाएगा इंक्रीज द रेनफॉल फ्लड ड्राट आल्सो ड्राट आल्सो बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एल नीनो कंडीशन है ना मेल्टिंग ऑफ द आइस लिखो मैडम आइस कैप ग्लेशियर और क्या हो सकता इमिडिएटली ah, नहीं है ना ग्रेजुअल प्रोसेसिंग द फ्लोरा एंड फाइनलीक्सटेंशन आप लिख सकते ना और क्या लिख सकते हैं इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज क्या बोला था हाँ यस यू आर राइट इंक्रीजिंग द सी लेवल दैट इज आल्सो राइट देन इंक्रीजिंग द आल्सो लाइक मलेरिया डायोरिया है ना और शॉर्टेज ऑफ द वाटर कैपिलरी एक्शन थ्रू कैपिलरी एक्शन व्हाट हैपेंड द साल्ट और वाट एवर द सोडियम मैग्नीशियम प्रेजेंट इन सॉइल दैट विल बी क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा लीजिंग अदर प्रोसेस भी हो सकता है ना तो ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट में बहुत कुछ टॉपिक पॉइंट्स आप लिख सकते हो और पॉइंट्स और क्या लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पीपल माइग्रेशन हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा डोंट यू थिंक सो टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा पीपल छोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के जाएगा ना दे विल बी डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और

ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट चेंजिंग ऑफ रेनफॉल पैटर्न ऑल्सो क्लाइमेट चेंज कौन बोला था अमर भाई सही हार्श वेदर इवेंट यस दैट इज आल्सो राइट चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न क्रॉप पैटर्न भी चेंज हो जाए हो सकता है ठीक है ना देन वीन हाउस इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल अभी रूम है ठीक है ना इधर टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा टेम्परेचर इंक्रीज भाई क्यों बोलो तो वी आर टेकिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन है ना नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा ना सो तो इट विल बी सराउंडेड बाई द दे इकोसिस्टम देखो एंटाइर वी है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस ग्रीन हाउस वी आर रिलीजिंग नॉट ओनली बिल्डिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है अभी फॉर एग्जाम्पल आप हार्टिकल्चर में छोटा-छोटा कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट एवर द टेम्परेचर प्रेजेंट इन द शेड दैट विल नॉट बी गोइंग सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जनरली वी डू द प्रैक्टिस इन द टेम्परेट रीजन बिकॉज देर इज टेम्परेचर इज लेस सनलाइट कम है ना

अच्छा पूरा ठंडा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है को कर कर रहा maintaining कर रहा है है इसी वजह से वी आर नॉट फीलिंग कोल्ड जब टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा पूरा ये क्या हो जाएगा आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन हो जाएगा सो कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी अ नेचुरल प्रोसेस

फोटोसिंथेसिस कार्बन ये पूरा बता सकते ठीक है ना आपका सर्वाइवल के लिए का प्राइमरी तो आपका सर्वाइवल के लिए के पहले क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए बाद में है, वो है ना ये बात ठीक है ना ग्रीन हाउस ग्लास हाउस देखा ना ये मॉडल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आप अंडरस्टैंड के लिए एक डायग्राम ले गए अंदर स्पीसी है ग्रीन हाउस गैसेस चलो लिखो वाटर वेपर वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड अदर थिंग्स आल्सो देयर फर्स्ट यू राइट डाउन आपको एक्सप्लेनेशन करता हूं पूरा इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मां पानी नहीं दिया है चलो फर्स्ट वील डिस्कस वाटर वेपर हाउ वाटर वेपर वाटर प्लेज वाइटल रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट सी हियर वाटर वेपर को कुछ लेना देना कुछ नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेस बट वाई वी इंक्लूडेड द वाटर वेपर इन द ग्रीन हाउस गैसेस क्यों इंक्लूड किया हम बिकॉज

आर आप देख के बाद भी हेल्प नहीं कर रहे हो यू आर ऑल्सो कमंडर डेंजर टू अभी कोई गिर गया है आप हेल्प करना है देखा चल रहे तो yes no? तो कुछ लेना वाटर में लेना देना कुछ नहीं है बट वो उधर ही है जो टेम्परेचर आ रहा है उनको ऑब्जर्व कर ला रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ऑब्जर्व कर रहा है पार्टिकुलेटेड मैटर आ रहा है सो एवरी टाइम थिकनिंग

ना? Gases, है ना इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी ग्रीन हाउस लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड है ना सो नेक्स्ट मीथेन मीथेन है ना ये मीथेन क्या करेगा जब आप राइस कल्टीवेशन करेगा वेन एवर यू आर कल्टीवेटिंग द राइस आफ्टर वाट एपन वो हार्वेस्ट यील्ड आने के बाद क्या करेगा आप कट कर देगा है ना एंड यू विल बी स्टोरिंग देखो इधर राइस इज आप क्या लिखना है वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप वाटर रिलीसिंग क्रॉप एंड वाटर गजलिंग crop. गजलिंग बोले तो कंज्यूम बोले तो intensive बोले तो कंज्यूम बोले, तो, बोले, तो, बोले तो ये की मीनिंग है कल आ जाएगा राइस इज वाटर गजलिंग क्रॉप ये क्या बोल रहे गजल बोल दिया आ? गजल गजल है गजलिंग बोलते तो, टेक मोर इट इज टेकिंग मोर वाटर

प्याडी प्याडी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा है मीथेन सी ओशियंस ऑल्सो सेडिमेंट्स में वाइल्ड फायर जब वाइल्ड फायर हो जाएगा फॉरेस्ट में क्या हो जाएगा दट टाइम ऑल्सो रिलीजे मीथेन मैडम लेकिन कल आया एग्जाम में आ गया सार बोला था बट नहीं लिखा था रिग्रेट हो जाएगा ना क्यों रिग्रेट करना बाद में कोई तो क्लास आ गया ना लिख लेते थोड़ा हो जाएगा और चार पांच दिन चार पांच क्लास में पूरा तब कॉलेज हो जाएगा देन ह्यूमन इंडस्ट्री में क्या जा, आ जाएगा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जनरली क्या है राइस ज्यादा आई एम नॉट सेइंग ओनली द राइस अदर क्रॉप्स आल्सो बट इधर पैडी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा एंड इंडस्ट्री वेस्ट फ्रॉम होम आया कट करने के बाद छोड़ डस्टबिन में डाल दिया बाद में वो डिकम्पोज स्पॉइल हो गया जब स्पॉइल हो रहा है तो क्या गैस निकलेगा मिथेन अब घर में एक बकेट में इतना पूरा वेजिटेबल स्पॉइल हो रहा है आप अंदर गया तो खत्म क्यों बोले तो पूरा ग्रीन हाउस गैस यू आर इनहेल बस है ना देन जल जाएगा बिकॉज ऑफ मीथेन एग्जाम में बहुत बार आया था क्वेश्चन रिलीज यस टेम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस गैस इज रिलीजिंग ये याद रख लो नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड जनरली इन द नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो जाएगा बट नेचुरल ज्यादा है नाइट्रोजन था ना उनको ब्रेक डाउन करेगा जब डाउन करे तो क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा फर्स्ट लिसन दैट नाइट्रोजन हाउ इट इज कन्वर्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया अमोनिया बाद में नाइट्रिक इट्रोजन आ जाएगा सो प्लांट जनरली डू नॉट ऑब्जर्ब डायरेक्टलीस आर नो है तो नाइट्रस ऑक्साइड कैसा रिलीज होगा जब बैक्टीरिया सॉइल में वो ब्रेक डाउन करने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करेगा देन नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो रिलीजे इन द यूर कौडंग मैन्यूर है ना है ना जब भी भी ये नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा एंड यू आर यूजिंग फर्टिलाइजर इन द क्रॉप जब भी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ नाइट्रोजन सॉइल्स एंड ओशियंस ह्यूमन इंड्यूस्ड क्या है व्हेन पीपल ऐड नाइट्रोजन टू द दॉइल थ्रू द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ब्रेकिंग डाउन नाइट्रोजन इन लाइव स्टॉक एंड मैन्यूर

आप एवरी थिंग यू हैव टू कनेक्ट विद द कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल फास्फोरस साइकिल है ना वो साइकिल को आपको कनेक्ट होना क्या भाई पुणे समझ हो रहा आप एनवायरमेंट अच्छा से पढ़ो तो ट्वेंटी प्लस क्वेश्चंस अभी पूरा अच्छा लगता है रूम के जाने के बाद बुक निकाले तो खत्म हाँ यही लग रहा सर वो ये भी इधर ही लग रहा है सर कौन से ठीक है ना देन ग्रीन हाउस गैसेस वन मोर वी रेड वाटर वेपर सेकंड मीथेन थर्ड नाइट्रस ऑक्साइड देन फ्लोरिनेटेड गैसेस फ्लोरिनेटेड गैसेस एंड हि हाइड्रोफ्लोरो कार्बन भी लिख लो हाइड्रोफ्लोरो कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है जनरली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूजिंग इन द रिफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स, यस परफ्यूम सॉल्वेंट्स, में वी आर यूजिंग बट क्या हो रहा है टू सब्स्टिट्यूट द वोजन डिप्लीशन लेयर को सब्स्टिट्यूट करने के हम वी ब्रॉट दिस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बट इन रियलिटी व्हाट दे आर दे आर एक्टिंग एज द ग्रीन हाउस गैसेस एक्चुअली हम क्या करके ले आया था वो जो डिप्लिशन है ना उनको कम करने के लिए था बट दे आर डूइंग इन रियालिटी दे आर काजिंग द ग्रीन हाउस दिस हाइड्रोफ्लोरो अल्यूमिनियम एंड सेमी कंडक्टर मैन्युफेक्चरिंग है ना एंडलोरोबन ऑल्सो पी एफ सिक्स ये भी परफ्लोरोबन ऑल्सो ये क्या हो जाएगा ियम मैग्निशियम सेमी कंडक्टर में फाइबर है।, so, use, है ना वो मैन्युफैक्चर में करेगा जब भी ये निकलेगा सो इट इज ऑल्सो काज इन ग्रीन हाउस गैसेस फोर पॉइंट लिख लो बस प्रसाद आपको ये चाहिए मेंस में क्या है व्हाट आर ग्रीन हाउस लिखो बुलेट पॉइंट थोड़ा पता होना चाहिए ना एंड नेक्स्ट ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन ब्लैक कार्बन क्या है फॉर एग्जांपल जब आप ग्रास बर्न करते हो ठीक है ना व्हेन यू आर बर्निंग द ग्रास कभी कभी काला काला आगे आपको ऊपर पड़ा है कभी जब ग्रास को वो क्या है ब्लैक कार्बन पार्शियली बंट कार्बन पार्शियली पूरा नहीं हुआ वो इसीलिए बोला था फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स दैट इज इट लाइफ स्पैन आफ्टर दैट वे विल डिज इंटीग्रेटेड एंड मिक्सअप विद ब्लैक कार्बन एक्ट इट ऑब्जर्ब मोर हिट क्या करेगा इट ऑब्जर्व मोर हीट वेन इट ऑब्जर्व मोर हीट फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कार्बन किसी ऊपर पड़ा है स्नो के ऊपर पड़ा है फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कार्बन फॉल एन ऑन द स्नो वेन इट इज फॉलन ऑन द स्नो वॉट हैपन इट ऑब्जर्व आर नॉट इट ऑब्जर्व हीट वेन इट ऑब्जर्व हीट क्या हो जाएगा इफेक्ट क्या हो जाएगा स्नो मेल्ट हो जाएगा स्नो को क्या करेगा ब्लैक कार्बन

आई डेंट ब्रिंग द क्वेश्चन बट आफ्टर को टॉपिक होने के बाद मैं डिस्कस करूंगा ठीक है ना ब्लैक कार्बन है कभी कभी घर में वो खड़ ग्रास बर्न करते ना छोटा छोटा घर में ऊपर सामने पड़ते देना वही ब्लैक कार्बन है नो मैडम देन ब्राउन कार्बन क्या है जब आप ग्रास आर एनीथिंग यू आर बर्निंग राइट ए स्मोक आ जाएगा ना स्मोक डिफरेंट कलर में है ना वही है ब्राउन कार्बन इन ब्लैक कार्बन सूट

सिंपल ब्राउन कार्बन को क्या करा किसी को जला दिया स्मोक आ रहा है वो ही ब्राउन कार्बन इट इज वेरी डेंजर अभी मैं रूम में कर देता आ जाएगा, वो क्या है ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन अलबीडो को ज्यादा करेगा कम करेगा कम कर देगा वेन दे आर डिक्रीजिंग द अलबिडो वॉट है मैडम

महाराष्ट्र भाई आप एक्टिव हो क्या हो गया क्या हो गया यू आर नॉट एक्टिव ठीक है ना आप बताना है आप बताओ ग्रीन हाउस वाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस हा नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन देन दर्स इट वाटर वे पर सम्स वी आल्सो एड वोजन ऑल्सो बी एड इन द ग्रीन हाउस गैसेस ठीक है ना जो जमीन पर रहेगा वो भी एड कर देगा इसमें वोजन भी ठीक है ना वोजोन का टॉपिक अलग है मैं उधर बताता हूं ठीक है ना ग्रीन हाउस देन क्लाइमेट फोर्सिंग क्लाइमेट फोर्स क्या कर रहा है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फोर्सिंग अभी मैं किधर प्रेशर कर रहा हूं इधर फोर्स कर रहा हूं दिस कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कब हो जाएगा मुझे कुछ पेन हो है उधर कम हो जाएगा इसी प्रेस किया तो और काइंड ऑफ रिलीफ लगेगा ये पॉजिटिव है ना अदरवाइज थोड़ा पेन को उसको ज्यादा अग्रेवेट कर रहा है उसको क्या हो नेगेटिव सो so, जब ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो रहा है ये पॉजिटिव बोलेगा

It the sunlight. जब सनलाइट कम, well कम हो जाएगा ना इट इज एक्टिंग पॉजिटिव क्या लिखना है आप ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एंड वालकानी करप्शन को ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपका ऊपर कुछ था सनलाइट आ रहा है नहीं आ रहा है ना इट इज कॉल्ड नेगेटिव ठीक है ना ये तो सामने बैठ जाओ इनके केस आर फेसिंग दैट पॉजिटिव फोर्सिंग एक्स एक्स एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस वार्म द अर्थ नेगेटिव फोर्सिंग द इफेक्ट्स ऑफ मोस्ट एरोसोलस एंड वोल्केनिक इरप्शंस एक्चुअली कूल द अर्थ जब सनलाइट नहीं आ रहा ना तो तो कूल ही होगा ना राइट डाउन इन विच कंडीशन यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सिंग और नेगेटिव फोर्सिंग कैसा मैडम नेगेटिव मैडम क्या मैडम जी मैं ऐसे समझ हुआ नहीं और एक बात बताऊँ क्या लेकिन वन मोर टाइम एक्सप्लेन करूँ क्या वो होगा वो क्लाइमेट इंपैक्ट में पड़ लेंगे वो आपको समझ हो गया ना संडे नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है जेन क्या करना कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है ना वट इट किसी टॉपिक को कोर पॉइंट याद रख लो इफ यू आर नॉट गिविंग द कोर पॉइंट देन यूपीएससी में क्यों आप कोर बन सकते हो भाई यूपीएससी टाइम पास पढ़ाई नहीं लाइफ खा जाएगा बर्बाद हो जाएगा बिकॉज ऑफ़ यू सीरियसली आप अच्छा से पढ़ दो इधर यू यू विल गेट और स्टेट पब्लिक तो निकल जाएगा ना है ना कुछ भी पढ़ा ले तो सही बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में कोई गाइड करने वाला सही नहीं है तो इतना बताया वाला कोई नहीं है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के टाइम लग गया है। मेरा तरह आप भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना मेरा सिंसियर एडवाइस है जो बोल रहा हूँ वो सही से लिख लो घर जाके एक बार पढ़ लो बस घर में आपको क्या हो इतना फ्री टाइम नहीं मिलेगा फ्री टाइम मिले तो आप लीजर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एवरी गैस आइर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वाटर वेपर किसी भी है दे आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ इंपैक्ट सही है नहीं है फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक आपको चोट मार रहा हूं मेरा एनर्जी इवन आई एम एटी के

मीथेन क्या है कितना ईयर सर्वाइव कर रहा है 21 ट्वेंटी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ट्वेंटी कौन सा लाइफ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड और सी वो टू का ज्यादा है मीथेन का ट्वेल्व है बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसको ज्यादा है मीथेन का है क्वेश्चन में आया था देख थ्री टेन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बट लाइफ टाइम वन ट्वेंटी पूछ सकते हैं आया पहले दो बार क्वेश्चन हाइड्रोफ्लोरोबन वन फोर्टी टू इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड लाइफ टाइम देखो वन हंड्रेड वन टू टू सेवेंटी वन टू टू सेवेंटी तक है इसका वन ईयर वन रह सकता दो साल रखता तीन साल रखता फोर साल रखता

इधर लिखो ये ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा घर के जाके बार एक बार पढ़ दो इजी हो जाएगा जब क्लास में रहता ना सिंसियरिटी आता डिसिप्लिन आ जाएगा बाहर गया तो खत्म चलो ब्रेक देते हूँ ठीक है ना फिर क्लास है ना स्टूडेंट्स वी आर हैविंग फाइव टू सेवन वन मोर क्लास सो वॉट आर द थिंग्स जस्ट यू फिनिश इट फाइव टू सेवन वन मोर क्लास ठीक है ना